मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ हो तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों को फल की चिंता कैसे? जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे अवश्य चुभ जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाती है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिख भले ही लग जाए, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसलिए शुभ भावना से कर्म कीजिए, परिणाम भी शुभ ही होंगे।